सोमवार रात को गृह मंत्री अमित शाह इंफाल में पहुंचे और उसके बाद में बैठकों का दौर जारी हुआ। काफी रात तक बैठक होती रही कैबिनेट के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, गवर्नर के साथ। गवर्नर मिले अमित शाह से, जो बैठक में बात हुई उसमें महत्वपूर्ण ये है कि सूत्र के मुताबिक ये पता चल रहा है कि ये कहा गया है कि किसी हाल में शांति लाना है, कुछ भी हो जाए शांति लाना है, सारे समुदाय को एक साथ रहना है, कोई समुदाय ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ जस्टिस नहीं होगा। पीछे मेरे राजभवन है, अमित शाह यहाँ पे है। आज मंगलवार सुबह से बैठकों का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह वो पहुंचे हुए हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, काफी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। जो ईमा मार्केट है, जो सबसे बड़ा महिला की मार्केट है, उनकी जो प्रतिनिधि है वो बैठक करेंगे। मीरा पाई भी, जो महिला टॉर्च बेयरर्स हैं, जो काफी आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ बैठक होगी। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ पोस्टर्स मिल रहा है जहाँ पे ये कहा जा रहा है, वेलकम श्री अमित शाह, वी वॉन्ट पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन मणिपुर। लोग चाहते हैं मणिपुर में शांति से रहे, शांति विराज करे। और ये भी हो सकता है आज कि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ लेके बैठक करे गृह मंत्री और उसके बाद में वो चूड़ाचांदपुर जा सकता है जहाँ पर कुकी समुदाय ज्यादा रहते हैं, नागाज लोग रहते हैं। सारे समुदाय को इकट्ठे लिए हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और ये मैसेज क्लियरली देना चाहते हैं कि जो मणिपुर शांति की जगह था वो मणिपुर शांति में रहे। और बैठकों का दौर जारी है इसलिए, और हर तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि इस बैठक में कोई ऐसा थ्योरी मिले जिससे शांति आ जाए। दूसरी तरफ आज सुबह से कर्फ्यू रिलैक्स किया गया है 4-5 घंटे के लिए। इंफाल ईस्ट और वेस्ट में लोग भारी तादाद में बाहर निकले चीजें खरीदने के लिए, चीजों की दाम बढ़ रही है, ये चिंता की विषय है। इसलिए आम जनता मणिपुर की शांति चाहती